Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मूज़ और कोरोना मजीद खतरनाक हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वबा ने 69 जिंदगियों का खात्मा कर दिया। एक ही दिन में मजीद 3000 से ज़ायद मरीजों की तशखीस हुई। खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे का दुनिया भर में आलमी दिन मनाया गया। लॉकडाउन की वजह से घरेलू तशद्दुद का जिन बेकाबू हो गया। पाकिस्तानी शहरियत बराए फरोख नहीं कि हर किसी को दी जाए। पिशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि शहरियत और शिनाख्ती कार्ड जारी करने के लिए एक तरीकेकार होता है। MQM लंदन के 5 टारगेट किलर गिरफ्तार कर लिए गए। इंचार्ज CTD का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान ने अजमल पहाड़ी और काशिफ डेविड के साथ भारत में तरबियत हासिल की। कराची समेत सिंध में दिसंबर में मामूल से ज्यादा बारिशें हो सकती हैं। मौसम का हाल बताने वालों ने खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में 26 और 27 नवम्बर को तेज हवाएं चल सकती हैं। Greenish hand sanitizer, Ala Clean quality, 75% food grade alcohol, non-sticky or non-oily formula. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareede ya hamari website par order kare. www.greenish.com. कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699 फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। कोरोना वायरस से 69 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 7803 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,82,892 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3009 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,15,786, सिंध में 1,66,033, खैबर पख्तूनख्वा में 45,314, बलूचिस्तान में 16,891, गिलगित बल्तिस्तान में 4,573, इस्लामाबाद में 27,979, जबकि आज़ाद कश्मीर में 6,316 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 52,97,703 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 41,583 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,32,974 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 1,867 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 69 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 7,803 हो गई। पंजाब में 2,904, सिंध में 2,858, खैबर पख्तूनख्वा में 1,339, इस्लामाबाद में 291, बलूचिस्तान में 164, गिलगित बल्तिस्तान में 96 और आज़ाद कश्मीर में 151 मरीज जान से हाथ धो बैठे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन मनाया गया। कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन ने खवातीन पर घरेलू तशद्दुद में इस कदर इजाफा कर दिया कि अक्वामे मुत्तहिदा ने इसे तारीख वबा करार दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन मनाया गया। अक्वामे मुत्तहिदा का कहना है कि दुनिया भर में हर 3 में से 1 औरत को अपनी ज़िंदगी में जिस्मानी, जिंसी या जहनी तशद्दुद का सामना करना पड़ता है, जो सिर्फ सिन्फ की बुनियाद पर इससे रवा रखा जाता है। अक्वामे मुत्तहिदा के मुताबिक खवातीन को जहनी तौर पर टॉर्चर करना, उन पर जिस्मानी तशद्दुद करना, जिनसी ज्यादती का निशाना बनाना या जिनसी तौर पर हिरासा करना, ऐसा रवैया अख्तियार करना जो सिन्फी तफरीक को जाहिर करे, गैरत के नाम पर कत्ल, कम उम्र की या जबरी शादी, विरासत से महरूमी, तेजाब गर्दी और तालीम के बुनियादी हकूक से महरूम करना ना सिर्फ खवातीन बल्कि बुनियादी इंसानी हकूक की भी खिलाफ वर्जी है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इसमें चंद मजीद इकसाम जैसे गैरत के नाम पर कत्ल, तेजाब गर्दी,
और ख़वातीन को तालीम के बुनियादी हकूक से महरूम करने को भी शामिल किया जा सकता है। गुज़िश्ता बरस ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से जारी की जाने वाली एक रिपोर्ट में घर को ही ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा गैर महफूज करार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस दुनिया भर में 50,000 ख़वातीन अपने ही घर में अपनों ही के हाथों तशद्दुद का शिकार होने के बाद कत्ल हुईं। कायम मकाम चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट जस्टिस केसर रशीद ने रिमार्क्स दिए हैं कि पाकिस्तानी शहरियत बराए फरोख नहीं है कि हर किसी को दी जाए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कायम मकाम चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट जस्टिस केसर रशीद और जस्टिस नासिर महफूज पर मुश्तमिल अदालत आलिया के दो रुकनी बेंच ने अगवान खातून की पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अगवान खातून का मौक़िफ़ था कि वो 1981 से पाकिस्तान में हैं, उनके बच्चों के भी शनाख्ती कार्ड बने हैं, लेकिन उसे शनाख्ती कार्ड जारी नहीं किया जा रहा। अदालत से दरख्वास्त है कि उसे पाकिस्तानी शहरियत दी जाए। दौरान समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तानी शहरियत बराए फरोख्त नहीं है कि हर किसी को दी जाए। शहरियत और शनाख्ती कार्ड जारी करने के लिए एक तरीक़ाकार होता है। नादरा ने माजी में गलत तरीके से लोगों को शनाख्ती कार्ड जारी किए। वजारत दाखिला खातून का रिकॉर्ड चेक करें और केस को कानून के मुताबिक देखें। इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स CTD सिंध ने शहर कायद के 3 मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां करते हुए MQM लंदन से वाबस्ता 5 टारगेट किलर को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। इंचार्ज CTD मजहर मशवानी का कहना है कि 3 मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान गिरफ्तार 5 मुलजिम मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस व मतलूब थे। गिरफ्तार मुलजिमान ने अजमल पहाड़ी और काशिफ डेविड के साथ भारत में तरबियत हासिल की। MQM लंदन टारगेट किलर को इंडिया विसनगंज में ट्रेनिंग दी गई थी। उन्होंने बताया कि इंडियन ड्रा से तरबियत याफ्ता टारगेट किलर मोहम्मद अली घुमटी अजमल पहाड़ी का करीबी साथी था। मुलजिम 1995 से 2005 तक टारगेट किलिंग में मुलविस रहा। 1997 में मोहम्मद अली ने पुलिस अहलकार का औरंगी में कत्ल किया। 1997 में मुलजिम ने औरंगी में फैसल उर्फ पराठा को कत्ल किया। इंचार्ज CTD का कहना था कि 2005 में शारा नूर जहाँ पर मुलजिम ने सुनी तहरीक के कारकुन को कत्ल किया। कार्रवाई में सलमान उमर और शहजाद बैग गिरफ्तार हुए। मजहर मशवानी ने मजीद बताया कि मुलजिमान 2010 से 2012 तक दहशतगर्दी में मुलविस रहे। मुलजिमान के खिलाफ जमशेद क्वार्टर, फिरोजाबाद, पाक कॉलोनी और मोमनाबाद थाने में मुकदमात दर्ज हैं। कराची समेत सिंध में दिसंबर में मामूल से ज़ायद बारिशें हो सकती हैं और दर्ज हरारत भी मामूल से कम रहने की पेशगोई की गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में रात हल्की बारिश के बाद सुबह भी बूंदाबांदी और ठंडी तेज़ हवाओं ने मौसम सर्द कर दिया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ तेज़ हवाएं मौसम सर्द रखेंगी। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में हवाएं 16 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। हवा में नमी 75% है। महकमा मौसमियात के तर्जुमान के मुताबिक कराची में आइंदा 2 से 3 रोज़ मौसम सर्द रहने और तेज़ हवाएँ चलने का इम्कान है। मगरबी सिस्टम कराची से ख़त्म हो गया है, ताहम दिसंबर के पहले हफ्ते में एक और मगरबी सिस्टम आ सकता है। सिंध समेत कराची में दिसंबर में मामूल से ज़ायद बारिशें हो सकती हैं। तर्जुमान के मुताबिक 2 से 3 बारिश के अच्छे इस्पैल नज़र आ रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता शब से सुबह 8 बजे तक सबसे ज़्यादा बारिश PAF वेस्ट मसरूर में 4 मिलीमीटर जबकि सबसे कम नाजमाबाद 1.0 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग TV YouTube चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।